बिहार राज्य में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं संपन्न हो चुकी है। बोर्ड की ओर से 10वीं कक्षा की परीक्षाओं का आयोजन 15 फरवरी 2024 से 23 फरवरी 2024 तक किया गया था। वहीं 12वीं कक्षा की परीक्षाओं का आयोजन 1 फरवरी से 12 फरवरी तक किया गया था। पिछले कुछ वर्षों में ऐसा देखा गया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB की ओर से सभी बोर्ड से पहले ही एग्जाम संपन्न करवा लिए जाते हैं। इसके साथ ही बोर्ड छात्रों के रिजल्ट भी सबसे पहले घोषित कर देता है। पिछले वर्ष को देखें तो 12वीं कक्षा का परिणाम 21 मार्च को जारी कर दिया गया था। वहीं 10वीं बोर्ड की परीक्षाओं का रिजल्ट भी 31 मार्च को जारी किया गया था। इसी पैटर्न को देखें तो इस वर्ष भी बिहार बोर्ड की ओर से परीक्षा परिणाम 20 मार्च के बाद मार्च के अंतिम सप्ताह तक जारी किया जा सकता है। कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए छात्रों को हर विषय में न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने होंगे। इससे कम आने पर आपको फेल माना जाएगा। हालांकि एक या दो विषय में फेल होने वाले छात्रों को हताश होने की आवश्यकता नहीं है। बोर्ड की ओर से हर साल ऐसे छात्रों के लिए कंपार्टमेंट एग्जाम का आयोजन किया जाता है, जिसमें शामिल होकर आप इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं। बिहार बोर्ड की ओर से रिजल्ट जारी होते ही आप इसे चेक कर सकेंगे। रिजल्ट चेक करने के लिए आपको सबसे पहले बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर जाना होगा। यहाँ रिजल्ट से संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा। अब आपको मांगी गई डिटेल्स भरना होगा, जैसे रोल नंबर, रोल कोड दर्ज करें। इसके बाद इसको सबमिट करना होगा। ऐसे करते ही आपका परिणाम आपकी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा।